नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब मज़े में हैं और अच्छे बच्चे बनकर पढ़ाई करते हैं। हाँ, अब तो मैं आपको मिलने भी आती हूँ ना, तो हम सब मिलकर पढ़ाई करते हैं ना, तो आपको अच्छा लगता है ना? शाबाश, ऐसे ही अच्छे बच्चे बनकर पढ़ाई करो और अपने पेरेंट्स की बात सुनो। तो चलिए, अब मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं आपको कौन से व्यंजन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये है ढ। फिर से बोलिए ढ। जी हाँ, जब ढ के नीचे बिंदी लग जाती है तो वह ढ बन जाता है। क्या बन जाता है? ढ। शाबाश। तो अब मैं आपको व्यंजन ढ की कहानी सुनाने जा रही हूँ, सब ध्यान से सुनना। देखो देखो, ओढ़नी ओढ़कर अध्यापिका है आई। सबको उसने अच्छी बातें हैं सिखाई। हमेशा मन लगाकर करो अपनी पढ़ाई। पढ़ाई कर सब घर को जाते, देखे लोग भागते शोर मचाते। भागो भागो। एक बूढ़े बाबा से पूछा तो पता चला गांव में बाढ़ है आई। बोले बच्चों को भागो और करो पहाड़ी पर चढ़ाई। आगे बढ़े ये बच्चे बाबा का हाथ पकड़कर। कुछ लोग बचने के लिए चढ़े घर की छत पर। बाबा बोले, अरे ऐसी बाढ़ तो कभी ना आई। धन्यवाद बच्चों, जो तुमने मेरी जान बचाई। तो बच्चों, आपको व्यंजन ढ की कहानी अच्छी लगी? तो चलिए, अब आप इसका उच्चारण सीखेंगे। सब मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे ढ। फिर से बोलेंगे ढ। शाबाश। तो चलिए, अब व्यंजन ढ के साथ मिलकर बनने वाले शब्द पढ़ते हैं। चढ़ चढ़, जैसे कि आप सीढ़ियां चढ़ते हैं या फिर किसी ऊंची चीज़ के ऊपर चढ़ते हैं। पढ़ पढ़, सारा दिन आपको मम्मी यही बोलती है ना, पढ़ लो, तो अच्छे से पढ़। बढ़ बढ़, हमेशा अच्छे काम करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ना, मैंने ये आपको शब्द इसलिए दिखाया है कि ढ जो है ना, वो कभी भी पहले नहीं आता किसी भी शब्द में, वो हमेशा हर शब्द के अंत में या बीच में आता है। तो देखिए, बढ़ना में ढ बीच में है और बढ़ में अंत में ढ है। तो आप सबको समझ में आया? तो चलिए, आप सब इसका अभ्यास बार बार करेंगे। बाय।